तो नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडवला पॉइंट। तो आज आप लोगों की डिमांड पे भी मैं चैप्टर 13 से रिलेटेड क्लास 9th मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप इनको अगर कर लेंगे, क्वेश्चंस ये 11 क्वेश्चंस हैं, अगर इन क्वेश्चंस को आप कर लेंगे तो काफ़ी हेल्प मिलेगी आपके आने वाले एग्जाम्स में, चाहे वो मिड टर्म के एग्जाम हो चाहे फाइनल एग्जाम हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ रूम। एक रूम है बच्चों, रूम अपने घर में, अपने रूम को देख सकते हैं आप, उसकी लेंथ 5 मीटर है, ब्रेड्थ 4 मीटर है एंड हाइट 3 मीटर है। ये रिस्पेक्टिवली एल बी एच दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग। अब वाइट वॉश करना है वॉल्स को रूम के और सीलिंग, सीलिंग मतलब होता है छत, यानी चारों दीवारों को करना है और छत को वाइट वॉश होता है ना, सफेदी होती है, पेंट होता है, तो इसको हमें वाइट वॉश करना है और इस रेट पे करना है। तो क्या बताना है, फाइंड द कॉस्ट। तो जब कॉस्ट निकालेंगे तो सीधी सी बात, आप एरिया निकालेंगे, तो एरिया किसका निकालेंगे, चारों वॉल्स का और सीलिंग का यानी छत का निकालेंगे। तो ये कौन सा फार्मूला बनेगा, ना तो ये टोटल बन रहा है ना ही कर्व बन रहा है, क्योंकि अगर हम देखें तो चारों दीवार में छत को जोड़ा जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होगा, आप निकालेंगे जो भी एरिया है, सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया ऑफ 4 वॉल्स एंड सीलिंग, छत, छत का सरफेस एरिया एंड 4 वॉल्स का सरफेस एरिया कितना। देखो चारों दीवारों का सरफेस एरिया होता है 2h इंटू एल प्लस बी। अब ये h आगे लिखे चाहे पीछे लिखे एक ही बात है, और जो छत है, छत होता है l और b, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब लेंथ कितनी है, 5 है, ब्रेड्थ 4 है और विड्थ हाइट है 3। 2 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा 5 प्लस 4 प्लस, अब एल बी, एल बी यानी 5 इंटू 4, अब इसको ऐड कर दीजिए, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 9 हो गया, 5 और 20, तो ये हो गया 54 प्लस 20, ठीक है, 74 मीटर स्क्वायर, स्क्वायर जरूर लिखना है, स्क्वायर जो इकाई है इसका यूनिट है। अब हमें क्या निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, सफेदी कर रहे हैं ना, तो वाइट वॉशिंग की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, जितना रेट है 7 रुपये का रेट है, उसको 74 एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे 7 रुपये 50 पैसे को, तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी आपको 555 अप्रॉक्स, आप देख लीजिएगा कैलकुलेट करके। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 ये हमारा हो जाता है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, कर्व सरफेस, हर मतलब पूरे चैप्टर से रिलेटेड है बच्चे, अगर आप ये कर लेते हैं तो क्या पता है यही क्वेश्चन या इससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं। तो द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो सिलेंडर है, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया वो ये है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइट दे रखी है आपको, ठीक है, डायमीटर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, हमें हाइट दे रखी है, ठीक है, हाइट है ये, किसका, किसकी बात हो रही है, सिलेंडर की, सिलेंडर, सिलेंडर मैं यहाँ लिख देती हूँ, हाइट दे रखा है 14 सेंटीमीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सी एस ए यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आपको है, दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2 पाई आर एच, 88 आ गया इक्वल टू, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी, आर से डायमीटर आ जाएगा, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लेंगे, आर नहीं है हमारे पास, एच 14 है इक्वल टू 88, तो ये हो गया 2, 22 × 44 × 88, 88 आर बराबर 88, तो आर हो जाएगा 88/88, कट के 1 सेंटीमीटर आ गया। तो डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, डायमीटर रेडियस का डबल होता है, यानी 2 इंटू 1 कितना आ गया, 2 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आ गया आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर ही है, कर्व सरफेस एरिया इस बार दे रखा है ये, ठीक है, और रेडियस ऑफ बेस, रेडियस ये है 0.7 मीटर, फाइंड हाइट, हाइट निकाल दिया आपको। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले हम रेडियस लिख लेते हैं, रेडियस है 0.7 मीटर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, शॉर्टकट लिख दिया है मैंने, वो दिया हुआ है 4.4 मीटर स्क्वायर, और ये क्या होता है, 2 पाई आर एच, 4.4, ठीक है, 2 इंटू 22/7, आर हमारे पास है 0.7 इंटू एच बराबर 4.4, पॉइंट हटा दीजिए, 0 आ जाएगा, सी कट गया इससे, अब एच इक्वल टू हो जाएगा 4.4
जो नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, अपॉन में जो ऊपर भी है वो इधर आके राइट में नीचे आ जाएगा, 2 × 22। इस पॉइंट को भी हटा देते हैं, 0 आ गया, इससे कट गया 22, दूनी 44 और 2 से 2 कट गया, तो हाइट आ गई 1, ऊपर एक बचा ना, चारों तरफ एक ही बचा है, 1 मीटर। क्लियर है? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम 4 देखते हैं। डायमीटर ऑफ बेस ऑफ कोन, अब कोन से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, हमने अब वो कर लिया सिलेंडर से रिलेटेड, कोन से रिलेटेड है, डायमीटर आपको ये दे रखा है, स्लाइंट हाइट यानी कि एल, ठीक है, दे रखी है, अब कट सरफेस एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कोन इस तरह की फिगर होती है, कोन में इसको बोलते हैं एल, स्लाइंट हाइट, और ये होती है हाइट, और ये है हमारा रेडियस, रफ स्केच बनाया मैंने, ठीक है। तो डायमीटर यानी कि डी दे रखा है 10.5 सेंटीमीटर, यहाँ से रेडियस निकालिए, रेडियस इसका हाफ होता है यानी हाफ नीचे लग गया, ठीक है। स्लाइंट हाइट यानी कि एल दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया किसका, कोन का निकालना, वो होता है पाई आर एल, ठीक है। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, आर हमारे पास है 10.5/2, इंटू एल है 10, तो पॉइंट हटा दीजिए, 0 लग जाएगा, 7 × 7, 7 × 5 = 35, 10, 0 से 0 कट गया, इससे कट गया, 11 आ गया, तो 11 × 15 कितना है, 11 × 5 = 55, 11 × 11 = 5 = 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर हो गया, समझ में आने, इजी क्वेश्चंस थे ये सारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ध्यान देते हैं। कर्व सरफेस एरिया दे रखा है यहाँ पे, ध्यान देना है किसका है, ये कोन का है, कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, और स्लाइंट हाइट 14 है, रेडियस और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो अब हमें दिया क्या है, सबसे पहले हमें जो दिया है स्लाइंट हाइट एल दी हुई है, वो है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया कोन का दिया हुआ है, किसका है, कोन का है, तो हम ये लिख लेते हैं, ये होता है 308 दे रखा है, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये होता है पाई आर एल, यहाँ से एल आ जाएगा हमारा, नहीं एल तो दिया हुआ है, आर आ जाएगा, तो ये होता है 22/7, आर नहीं है, एल 14 है, 308 हो गया, 7 × 14, अब आप इसको सारा इधर भेज सकते हैं, ठीक है, तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 22 × 2 नीचे सीधे भेज दीजिए, मल्टीप्लाई में आकर डिवाइड में हो जाएगा, इसे आप काट सकते हैं, 11 × 22 = 11, 8 × 22 = 11 अट्ठे, और अब ये कट जाएगा, 14 आ जाएगा, इससे आप काटिए, 7 आ गया, ठीक है, आप ही के तरीके से मैंने काटा है ये, तो ये पहला पार्ट आ रहा है हमारा, फर्स्ट पार्ट बोला गया है ना कि आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, उसके बाद बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालिए, सेकंड क्वेश्चन है टोटल सरफेस एरिया किसका, कोन का, तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर, ठीक है, क्लियर हो गया, ये फार्मूला है याद रखिएगा, तो पाई की वैल्यू है 22/7, आर 7 आया है, एल 14 था, प्लस में ये 7 है, इससे ये कट गया 22 × और ये कितना हो गया 21 हो गया, अब इसको गुणा करेंगे आप तो ये आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं, क्लियर है आपके सामने, देखिए, ठीक है, अब आगे बढ़ जाए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हम एक स्फेयर वाला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द रेडियस, रेडियस निकालना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि स्फेयर का रेडियस हमें निकालना है जिसका सरफेस एरिया दे रखा है आपको, सरफेस एरिया इसका टोटल हो चाहे कर्व हो एक ही होता है, स्फेयर है पूरा, तो चाहे तो आप यहीं कर लें, क्वेश्चन हम यहीं कर लेते हैं, सरफेस एरिया किसका निकालना है हमें, स्फेयर का वो हमें दे रखा है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या कितना होता है 4 πr², 154, ठीक है, 4 × π की वैल्यू 22/7, आर नहीं है हमारे पास, 154, तो सारा हम इधर भेज देते हैं, तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, दिखाई दे रहा है, आर स्क्वायर हो जाएगा 154 × 7 और 22 और 4 नीचे आ जाएगा, ठीक है, काटा जाए इसे, तो काट सकते हैं, 22 के पहाड़े में ये 7 नंबर पे जाता है, देखिए 7 × 14 = 15, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7/2 का स्क्वायर, 4 भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 बार है ही, तो आर इक्वल टू हो जाएगा 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर,
क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। सिक्स क्वेश्चन नंबर हो गया, 7 की बारी आई। इफ लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज, लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है सिलेंडर का, ध्यान देना है सिलेंडर का है, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को लेटरल कहते हैं, और हाइट दे रखी है, रेडियस और वॉल्यूम निकालना है। तो 7th क्वेश्चन क्या दे रखा है हमें, हाइट दे रखे, पहले हाइट लिख लेते हैं 5 सेंटीमीटर, लेटरल लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है, वो है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और क्या है ये सिलेंडर है ना, तो सिलेंडर का होता है 2πRh, 94.2 दे रखा है, 2 × π की वैल्यू यहाँ पर 3.14 लेनी है, R नहीं है, h मेरे पास 5 है, 94.2, तो R इक्वल टू हो जाएगा 94.2 अपॉन में चला जाएगा 2 × 3.14 × 5, सारा नीचे चला गया उधर राइट में जाके, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास R की वैल्यू कट पिट के 3 सेंटीमीटर आ जाएगी, आप इसको निकाल लेना, ये फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट क्या है, वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम होता है इसका पाई आर स्क्वायर एच, पाई वही 3.14, आर 3 आया है, 3 × 3 लिख देंगे, एच हमारे पास 5 था, क्लियर है। तो इसका वॉल्यूम आएगा हमारा 144.3 सेंटीमीटर क्यूब, ऐसा यूनिट जरूर लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कैपेसिटी, कैपेसिटी निकालनी है बच्चों लीटर्स में, कोनिकल यानी कोन टाइप का कोई बर्तन है जिसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है और स्लैंट हाइट दे रखी है, तो ध्यान दीजिएगा रेडियस 7 सेंटीमीटर है और एल स्लैंट हाइट मतलब होता है एल है 25 सेंटीमीटर, तो हम इससे एच निकालेंगे, ठीक है, एच फाइंड आउट करेंगे। देखिए इस तरह का बनता है ये डायग्राम, इसमें ये एल है, एच है, आर है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, तो अगर हम देखें एल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ से एच की वैल्यू आ जाएगी एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यानी 25 स्क्वायर माइनस 7 स्क्वायर, आप ऐसे भी माइनस कर सकते हैं और ऐसे प्लस और माइनस भी कर सकते हैं, 25 माइनस 7, 25 प्लस 7, तो इसमें गया 15 में से 7 गया 18, ठीक है, अठारह आ गया और ये आ गया 32, ठीक है, तो एच स्क्वायर, तो यहां से एच की वैल्यू हमारी आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 8 में, तो ये हाइट आ जाएगी 24 सेंटीमीटर। इस तरह से आप इसको फैक्टर करके निकाल सकते हैं, इजी तरीका, जरूरी नहीं है मल्टीप्लाई करना ही। फिर वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 πr² h, वॉल्यूम निकल जाएगा यहाँ से 1232, आप इसको सॉल्व कीजिएगा। एंड कैपेसिटी लीटर में निकालने के लिए आप इसको 1000 से भाग देंगे, इसको ध्यान देना इस क्वेश्चन को, यहाँ पर इसको 1000 से भाग दिया है तो सीधे पॉइंट लग जाएगा राइट, 1, 2, 3 दशमलव के बाद पॉइंट लगेगा और लीटर में कैपेसिटी आ जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इफ द हाइट ऑफ कोन, कोन ध्यान देना है कोन है, इसकी हाइट दे रखी है और वॉल्यूम दे रखा है, तो फाइंड द रेडियस, हमें रेडियस निकालना है, पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो बच्चों हाइट है 15, वॉल्यूम है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम होता है कोन का 1/3 πr² h, क्लियर है, पाई आर स्क्वायर एच 1570, ठीक है, तो 1/3 पाई की वैल्यू है 3.14, आर नहीं है हमारे पास, एच है 15 × 3 = 15 = 1570। अब क्या करेंगे, सारे आर स्क्वायर छोड़ के 1570 बराबर बटा जो इधर मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा 3.14 × 5, हो गया ना, ये दोनों नीचे आ गए। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप पे यहाँ पे आर की वैल्यू आ जाएगी, आप पॉइंट हटाएंगे ना आप, तो 2 जीरो ऊपर आ जाएगा, और आप जैसे भी सॉल्व करेंगे इसको, सॉल्व करने के बाद आर बराबर 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी सॉल्व नहीं कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहे हैं क्योंकि अभी रिसोर्सेज की भी कमी है और मैं सिटी से भी बाहर हूँ,
आप लोगों के डिमांड पे ये किया जा रहा है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको रेडियस दे रखा है 7 सेंटीमीटर। छोटा क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का स्फीयर से रिलेटेड। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, वॉल्यूम किसका, वॉल्यूम स्फीयर का। तो ये फार्मूले आप बच्चे सारे याद कर लीजिएगा। स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 πr³। ठीक है, 4/3 π की वैल्यू 22/7 क्योंकि नहीं दिया हुआ है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में तो दिया हुआ था ना, इसलिए हमने ये वैल्यू ली थी, लेकिन इसमें नहीं दिया तो 22/7 आसान होता है। और 7 तीन बार लिखेंगे क्योंकि 3 पावर है, r की पावर 3 है ना, तो इससे आप काट सकते हैं। और उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद आपका वॉल्यूम ये आ जाएगा 4/1437 × 1/3 cm³। थोड़ा सा इसको आपको ध्यान देना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदला गया है, क्लियर है। आप नहीं भी बदलेंगे तो भी चलेगा, आप सीधे ऊपर ये मल्टीप्लाई कीजिए, ये रखिए या पॉइंट में कीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, क्वेश्चन नंबर 11। मैं इसको यहीं कर देती हूँ, इसका आंसर क्या होगा, वॉल्यूम निकालना है। सरफेस एरिया आपको दे रखा है, ठीक है, सरफेस एरिया किसका दे रखा है, स्फीयर का, ये आपको ध्यान रखना होगा। ये है 154 cm². सरफेस एरिया स्फीयर का क्या होता है, 4πr², पाई की वैल्यू अपनी तरफ से ले सकते हैं, 4 × 22/7, आर नहीं है, यहाँ से हम आर निकाल लेंगे, 154 r² बराबर हो जाएगा 154। ध्यान दीजिएगा, इसको यहाँ लेकर आते हैं तो कैसे लाते हैं, जो डिवाइड में है वो ऊपर जाएगा और 4 नीचे, 22 भी नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी। आप इसे काट सकते हैं, 22 × 7 पे गया, अब ये 7 दो बार हो गया, 4 को भी 2 लिख सकते हैं, 7/2² r² बराबर 7/2² है, तो r हो गया 7/2। अब हमें निकालना क्या है, वॉल्यूम निकालना है, किसका वॉल्यूम, स्फीयर का, वो होता है अभी हमने बताया था ना, क्या बताया था, 4/3 πr³, जो कि मैंने फार्मूला यहाँ पे अभी लिखा भी था, वही है फार्मूला। तो 4/3 π की वैल्यू 7/2 है, सॉरी 22/7 है पाई की वैल्यू, और आर है 7/2, 3 बार लिखेंगे 7/2 7/2। ठीक है, 7 से 7 कट गया, ये 2 इससे कट जाएंगे, 4 हो गया ना, अब इससे ये कट गया, 11 आ गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कीजिए, 11 × 7 7 49 हो गया / 3, मल्टीप्लाई करके जो भी सॉल्व करना है ये आएगा 179 × 2/3 cm³। तो इस तरह से ये देखा जाए तो हमारे सारे 11 क्वेश्चंस हो चुके हैं, और इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे तो ये चैप्टर आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप इमरजेंसी के टाइम पे कर सकते हैं कि तत्काल आपको करना है, कि आपके पास कुछ आपको आता ही नहीं चैप्टर, तो इसमें से कुछ तो आप करके ही आएंगे। और इस तरह के 2-3 क्वेश्चन अगर आ गए तो फिर आपके आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। तो बच्चे, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये उन बच्चों को भी इसका फ़ायदा उठा मिले। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।